कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। आप सब कहानी सुनने के लिए तैयार है? तो चलिए, आज हम एक मजेदार कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक लड़का और उसके दादाजी, वो दोनों साथ में वहां पे रहते थे। और आपको पता है, वो लड़का ना कभी भी थोड़ा उदास ही रहता था, क्योंकि उस लड़के के पैर में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। वो ठीक से ज़्यादा वो मेहनत नहीं कर पाता था, इसके लिए वो अपने दोस्तों के साथ खेलता नहीं था और उसे कोई खिलाता भी नहीं था, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता था। इसके लिए सब उस पर चिढ़ाते थे कि अरे हाँ, ये तो ऐसा ही है, इसको खिलाना कोई फ़ायदा नहीं है, इसको नहीं खिलाएंगे करके सब उस लड़के को चिढ़ाते थे। और वो लड़का भी ज़्यादा किसी के साथ ऐसे खेलता भी नहीं था, शांत शांत रहता था। तो एक दिन उसके साथ जो थे सब ने उसको चिढ़ा दिया कि हाँ, तू तो खेल नहीं पाएगा, तू रहने दे, तेरा तो ऐसा ही करके उस लड़के को सब ने चढ़ाया। तो वो बहुत ही उदास हो गया। तो वो अपने घर जाके दादाजी से बोलता है, दादाजी मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, सब मुझे चढ़ाते हैं, मैं क्यों ऐसा हूँ दादाजी, करके वो शिकायत करने लगा, कंप्लेंट्स करने लगा अपने दादाजी को जाकर। तो उसके दादाजी उसको अपने साथ लेके बाहर लेकर जाते हैं और उसको दो बाल्टी पकड़ा देते हैं। बोलते हैं, तू अब से रोज इस बाल्टी में उस नदी से पानी लेके आके यहाँ पे जो बड़ा सा टैंकी रखा हुआ है इस पे तुझे रोज लाकर भरना है करके उसके दादाजी ने उसको बोल दिया। तब फिर वो लड़का बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि दादाजी ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन वो अपने दादाजी की बात को मान के वो लड़का वैसा ही करता है, वो रोज शुरू कर देता है अपने काम को। वो पहला दिन जाता है वहाँ से नदी से पानी लेकर आता है। जब लेकर आ रहा होता है, तब देखते हैं कि एक बाल्टी तो काफ़ी अच्छे से पूरे पानी को उसने सही रखा, लेकिन दूसरे बाल्टी में क्या था, छेद था नीचे से, तो वो पूरा पानी टपक रहा था। तो वो सोचा ठीक है, मैं तो लेके चला जाऊँगा करके वो लेके चला गया। और उस जिस बाल्टी में छेद था उसमें थोड़ा सा ही पानी बचा था। जब वो घर पहुँचते पानी ख़त्म ही हो गया था। तब वो रोज़ ऐसा ही करता था, रोज़ पानी नदी से लेकर आता था। एक बाल्टी में तो पानी पूरा भरा रहता था, लेकिन एक बाल्टी में ऐसे ही टपक टपक के लीक हो रहा था पानी, तो वो ख़त्म ही हो जाता था। तो रोज़ ऐसे कुछ दिन करता रहा। तो एक दिन जाके वो अपने दादाजी को बोल दिया, दादाजी देखो ये पानी, ये बाल्टी ठीक नहीं, आप मुझे दूसरी बाल्टी दीजिए, क्योंकि इस बाल्टी से बहुत पानी लीक हो रहा है, इसमें से पानी टपक रहा है, मैं क्या करूं दादाजी, आप मुझे दूसरी बाल्टी दीजिए करके वो अपने दादाजी से मांगता है। तब उसके दादाजी उसको साथ लेकर चलते हैं, इधर आ, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं करके उसको, उस लड़के को अपने साथ लेकर जाते हैं। उसको वहां लेकर जाता है जहां से वो रोज पानी लेकर आता। तब उसके दादाजी उससे उस रास्ते को दिखाकर बोलते हैं, देख इस साइड के रास्ते को देख, जिस जहां पे कोई पानी नहीं गिरता था, जो अच्छा बाल्टी जिससे तू लेके आता था जिसमें लीक नहीं होता था, उस साइड वाली रास्ते को देख कैसा है, वो रास्ता सूखा पड़ा हुआ है, जैसा पहले था वैसा ही है, जैसा जब तू पहले लेकर जाता था वैसा ही है, लेकिन तू इस वाले रास्ते को देख जहाँ पे पानी तेरा जो जिस में पानी टपकता था लीक होता था, वो वाले साइड को देख। वो जब देखा तो वहाँ पे क्या था, पूरा हरा भरा हो गया था, वो उस साइड का रास्ता पूरा हरा भरा था। और वहाँ पे क्या थे, छोटे छोटे बहुत सारे फूल उगे हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था उस साइड के रास्ते को देखने में। तब उसके दादाजी बोलते, देखा जब तू लेके आ रहा था वो पानी सिर्फ लीक नहीं हो रहा था, उसने पूरे रास्ते में पानी दिया, और वो क्या हुआ, वहां से कितने सारे नए नए पौधे, नए नए फूल उगे, देख ऐसे ही। इसके लिए तू कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना, हर चीज में मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा करके तू मत सोचना, है ना, क्योंकि हमारे, तो तू भी अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि देख जैसे वो बाल्टी टूटी हुई थी तो उसने कितना, उसके पानी गिरने से कितने सुंदर फूल उग गए, वैसे ही जब तू अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे देगा ना, तो तेरे जीवन, तेरे कमजोरी को वो सामर्थ्य में बदल देंगे, ऐसे करके उसके दादाजी उस लड़के को समझाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है कि हम भी क्या करते हैं, आप लोग भी ऐसे सोचते होंगे कि अरे मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता, मैं अच्छे से खेल नहीं पाता, मैं
अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, आप लोग ऐसा बहुत कुछ सोचते होंगे कि मैं कैसा हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन आज आपके लिए खुशखबरी है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आप सबको, हमको, मुझको चुन लिया यीशु मसीह ने, क्योंकि जैसा वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 1:27 में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। तो हम सब कोई ना कोई बातों में हम ऐसे कमज़ोर है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पाते हैं, तो आज आपके लिए खुशखबरी है कि यीशु मसीह ने हम सबको चुन लिया है, कमज़ोर लोगों को, निर्बल लोगों को, मूर्खों को यीशु मसीह ने चुन लिया है, ताकि वो जगत के जो इंटेलिजेंट ऐसे स्ट्रांग जो लग रहे हैं उनको लज्जित करने के लिए। तो जब हमें क्या करना है, अपने जीवन को, अपने कमज़ोरता को यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हमें सौंप देना है कि यीशु मसीह मैं तो कमज़ोर हूँ, तो वो यीशु मसीह क्या करेंगे, उस चीज़ को सुंदर बना देंगे, हमारे जीवन को वो बलवान बना देंगे, है ना। जैसा वो बाल्टी कमज़ोर था, उससे पानी गिरता था, लेकिन वो रास्ता क्या हो गया, पूरा कितना सुंदर हो गया, फूल उग गया। वैसे ही जब हम अपने कमज़ोरता को, अपने जीवन को यीशु मसीह के बलवंत हाथों में दे देंगे, वो हमारे जीवन को सुंदर बलवंत बना देंगे, है ना। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबको कहानी अच्छा लगा होगा। तो हम अगली बार मिलेंगे, बाय।